8 अगस्त को बजा था और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो इस मंत्र के साथ देश को आजादी के पूरे आंदोलन में एक बहुत बड़ी तीव्रता के साथ आंदोलित किया था। और 9 अगस्त को आजादी के दीवानों पर बहुत सारे जुल्म ढाए गए थे। आज 8 अगस्त 75 साल हो रहे हैं, उन सभी आजादी के दीवानों को स्मरण करते हुए आज 8 अगस्त को टैक्स टेररिज्म से मुक्ति, उस दिशा में एक अहम कदम हमारी संसद दोनों सदन के सभी सांसद मिलकर के एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाने जा रहे हैं। हमारे देश में टैक्स को लेकर के कैसी स्थिति रही है, शायद कुछ लोगों को मालूम होगा। टैक्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक मसला आया था और विषय ये आया था कि नारियल को फल माना जाए कि सब्जी माना जाए। नारियल पर फल के आधार पर टैक्स हो कि सब्जी के आधार पर टैक्स मुक्ति मिले, मसला सुप्रीम कोर्ट तक चला था। तो एक टैक्स की हमारी जो पूरे नहीं परंपरा रही है उसमें कैसी कैसे उतार चढ़ाव आए हैं, इसको समझने के लिए ये घटना अपने आप में पर्याप्त है। मैं इस समय एक प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का, सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो सरकारें चल रही है उन सबका धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक ऐसा निर्णय हम कर रहे हैं जिसमें राज्यसभा लोकसभा 29 राज्य और जिनके कोई न कोई नुमाइंदगी जीत करके आए हैं, ऐसे 90 राजनीतिक दल, उन सब ने एक व्यापक मंथन करके, विचार मंथन करके आज हमें यहां पहुंचाया है और जिसको हम कुछ समय के बाद अंतिम निर्णय के लिए मोहर लगाएंगे। और इसलिए ये बात सही है, जन्म कोई दे लालन पालन कोई करे, कृष्ण को जन्म किसने दिया, कृष्ण को बड़ा किसने बनाया, लेकिन ये भी सही है कि ये किसी दल का किसी सरकार का विजय नहीं है, ये भारत की लोकतंत्र की उच्च परंपराओं का विजय है। ये सभी राजनीतिक दलों का विजय है, ये पहले की और वर्तमान सभी सरकारों के योगदान से है और इसलिए कौन जीता कौन हारा इसके लिए मैं नहीं मानता हूं कोई विवाद की आवश्यकता है।
और इसलिए एक मिनट प्लीज वन मिनट माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमति हो तो इस बिल की समाप्ति तक सभा की कार्यवाही बढ़ा दी जाए। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे, वरना मुझे लग रहा था खड़गे जी मेरे लिए समय रखेंगे कि नहीं रखेंगे। मैं आपका बहुत आभारी हूं इस बधाई के लिए। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप टवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप्स टवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। और इसलिए हम एक नई व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये हम सबका सपना है। और एक भारत जब हम रेलवे की तरफ देखते हैं, एक भारत की अनुभूति आती है। जब हमारे डाकखाने देखते हैं, एक भारत की अनुभूति आती है। जब हमारे ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज को देखते हैं, एक भारत की हमें महक आती है। हम आईपीसी सीआरपीसी की तरफ नजर करते हैं तो एक भारत की हमें पहचान मिलती है। जब आज हम भारत नेट की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सागर माला की बात करते हैं, ये सारे उपक्रम एक भारत इस भाव को बल देते हैं, ताकत देते हैं। और उसी सिलसिले में आज जीएसटी वो एक नया मोती इस माला में हम परो रहे हैं, जो एक भारत के भाव को ताकत देता है। ये सिर्फ कर व्यवस्था नहीं है, सब राज्य और केंद्र मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था विकसित करें जिसमें छोटा सा छोटा राज्य हो या बड़ा सा बड़ा राज्य हो, सबको ये व्यवस्था अपनी लगे। ये एक भारत को ताकत देने वाली बात है। और उस अर्थ में मैं इसका बड़ा महत्व समझता हूं। कभी कभी जीएसटी को लेकर के संशय भी रहे। मैं जब मुख्यमंत्री था, मेरे मन में भी बहुत संशय थे। प्रणब मुखर्जी साहब से मैंने कई बार उस पर विचार विमर्श भी किया था। और आज जीएसटी को एक मुख्यमंत्री के नजर से देखने के कारण, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन मुद्दों को एड्रेस करना मेरे लिए सरल रहा, वो अनुभव मुझे काम आया। और उसके कारण उस समय राज्यों की जिन बातों को हम एड्रेस नहीं कर पाते थे, कुछ बातें उजागर नहीं हो पा रही थी, कुछ बातें ओझल हो जाती थी, वे सारी बातें इतने लंबे काल के मंथन के कारण, और उसमें सिर्फ मेरा ही योगदान ऐसा नहीं, सबका योगदान है, बहुत से कमियों को दूर करने में हम सफल हुए हैं। और यह सामूहिक मंथन का नतीजा है। फिर भी ये सत्य है कि हम परफेक्ट हो सकते हैं, कुछ कमी नहीं रह सकती है, आगे चलकर के कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा गुरूर कम से कम इंसान तो नहीं कर सकता है। और इसलिए इतने सारे ब्रेन इन्होंने कसरत की है, कोशिश की है, अच्छा करने का प्रयास किया है, और उस प्रयास का परिणाम भी मिलेगा। और आज देश अनुभव कर रहा है कि एक मंच,
एक मत, एक मार्ग, एक मंजिल, ये मंत्र आज जीएसटी के इस सारी प्रोसेस में हम सबने अनुभव किया है। और इसलिए ये बात सही है कि राज्यसभा में अंक गणित में तो ये बिल संकट में आ सकता था। ये भी सही है कि राज्यों को केंद्र के प्रति अविश्वास का माहौल था, अपने अपने अनुभवों के कारण था। और इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि राज्यों के में और केंद्र के बीच एक विश्वास पैदा हो। सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि ये बात बहुमत के आधार पर निर्णय न हो। हम कतई नहीं चाहते थे, और मैंने पहले भी इसी सदन में कहा है कि लोकतंत्र ये सिर्फ बहुमत के अंक का खेल नहीं हो सकता है, ये सहमति की यात्रा है, सहमति की यात्रा है, और सहमति की यात्रा से आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हम लगातार विचार विमर्श करते रहे। आज हमारे मोहली साहब को एक बात का बहुत बुरा लगा कि इस हाउस को जूनियर हाउस कहा जाता है। जो लोग इस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं उन लोगों को आपका मैसेज जरूर पहुंचेगा। वो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे तो कहना कठिन है, लेकिन पहुंचेगा। लेकिन जब मैंने विचार विमर्श के लिए आदरणीय सोनिया जी को बुलाया था, आदरणीय मनमोहन सिंह जी को बुलाया था, एक लोकसभा से थे, एक राज्यसभा से थे, मैंने दोनों को बराबरी का महत्व देते हुए जीएसटी को लेकर के विचार विमर्श किया था। और इसलिए हमारी ये कोशिश रही है, सबके सुझावों को स्वीकार करने का प्रयास किया गया है। हम जानते हैं कि एक अभूतपूर्व सहमति का माहौल पैदा हुआ है, और इसमें से एक शक्ति पैदा होती है, जो शक्ति राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी अमानत होती है। हम सब अलग अलग राजनीतिक विचारों से जुड़े हुए हैं, राजनीति हम लोगों के जहन में है, और हमारी बातों में कहीं न कहीं वो आ जाना भी बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे जीएसटी की चर्चा में हमने देखा कि पवित्र स्थान हम में से किसी ने इसको राजनीति का मंच नहीं बनने दिया, ये राष्ट्रीय मंच बना, राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मान दिया। ये भारत के लोकतंत्र के उज्जवल पहलुओं में से एक है। राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति होती है। इस बात को हम सब ने मिलकर के, इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रस्ताव हुआ है उसमें किसी की कोई शिकायत नहीं होगी, और जरूरी नहीं कि वहीं शिकायत होगी, यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे जिनको लगता हो साहब इसके बजाय ऐसा होता तो अच्छा होता, फुल स्टॉप यहां के बजाय कौमा यहां होता तो अच्छा होता, ये रहना ही रहना है, यही तो लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि इसको हम आगे बढ़ाए। इस जीएसटी की व्यवस्था के कारण बहुत बड़ी सरलताओं की संभावनाएं हम देख रहे हैं। आज हम जानते हैं हर राज्य में अलग अलग भांति के फॉर्म भरना, ये भरना, इतना बड़ा लंबी प्रोसेस होती है, और सरकारी अफसरों का भी उन कागजों को करने में अभी एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। इसमें टैक्स सिस्टम के अंदर, उसकी प्रोसेसिंग के अंदर, टैक्स के रेट के अंदर, और इसका एक सीधा परिणाम होने वाला है, एक मैसेज बहुत क्लियर जाने वाला है, कंज्यूमर इज अ किंग। जीएसटी की सबसे बड़ी एक विशेषता यह है कि इससे साफ मैसेज जाने वाला है, अल्टीमेटली कंज्यूमर इज ए किंग, और एक कानून, एक व्यवस्था कंज्यूमर को किंग बनाए, ये मैं समझता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान। आज इस जीएसटी के बाद
मेरा अंदाज है 7 से लेकर के 11 तक अलग अलग जो कर व्यवस्थाएं हैं जिससे छोटे मोटे सब उद्यमी को व्यापारी को जुड़ना पड़ता है, इसके कारण 7 से लेकर के 11, 12, 13 तक ऐसी सारी कर प्रथाएं इसके काम समाप्त हो जाएगी, एक सरलीकरण आ जाएगा और इससे छोटे उद्यमियों को भी लाभ होगा और कंज्यूमर को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। जीएसटी जो छोटे उत्पादक है उनको सुरक्षा की गारंटी देता है और हमारे देश की इकोनॉमी को ड्राइव करने में ये जो छोटे छोटे उद्यमकार है वो एक बहुत बड़ी ताकत है। हम उनको जितना सुरक्षित करेंगे उतना मैं समझता हूं कि इसके कारण बहुत लाभ होने वाला है। हम जानते हैं अर्थव्यवस्था का आगे बनाने के जो भिन्न भिन्न पहलू होंगे, मेरी समझ में एक छोटा सा मत है कि अर्थव्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को तेज गति से चलाने के लिए 5 बातों की ओर हम अगर ध्यान केंद्रित करते हैं, मैन मशीन मटेरियल मनी एंड मिनट समय, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर ये करने में हमारी व्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं तो इकोनॉमी को बढ़ने के लिए और कोई नए अवसर तलाशने नहीं पड़ते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी चुंगी प्रथा के कारण, चाहे ऑक्ट्रॉय का स्थान हो, चाहे स्टेट के बीच में दो स्टेट जहां बॉर्डर पूरी होती है वहां चुंगी नाका हो, हम मीलों तक कतार देखते हैं हमारे व्हीकल्स की, मशीन व्हीकल, और ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में ये जो चलते फिरते साधन है वे अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही यूटिलाइज करते हैं, 60% उसको कहीं न कहीं रुकना पड़ता है। अभी अभी आर्थिक दृष्टि से रिसर्च करने वाली एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने अपना सर्वे बताया है कि इन कारणों से भारत में 1,40,000 करोड़ रुपयों का वेस्टेज होता है जस्ट इन्हें रुके रहने के। उसमें सारा का सारा भूमिका चुंगी की नहीं है लेकिन बहुत बड़ा मात्रा में चुंगी भी है। जीएसटी के कारण ये सारे हर्डल और प्रकार के होंगे, वो तो समय रहते निकलेंगे, लेकिन उसके कारण एनवायरमेंट को फायदा होगा, जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पेट्रोल जलता रहता है, डीजल जलता रहता है, हमारी बहुत सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में जो देर होती है, इन सारी चीजों में एक बहुत बड़ी सुविधा पैदा होने वाली है और उसके कारण एक सरलीकरण आने वाला है और जिसके कारण हमारे देश को, हम जो विदेशों से इतना बड़ा पेट्रोलियम लाते हैं उस पर भी हमें कमी आएगी और एक प्रकार से हमारे यहां सब प्रकार की शक्ति रखने वाले राज्य नहीं है। हर राज्य एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है, किसी को एक चीज किसी से लेनी पड़ती है, एक चीज किसी दूसरे राज्य को देनी होती है, तब जाकर के उनका कारोबार चलता है और उसमें आज की व्यवस्थाएं बड़े हर्डल पैदा करती हैं। इस एक व्यवस्था के कारण उसमें जो कठिनाइयां हैं उस कठिनाइयों को दूर करने में सुविधा होगी, ऐसे राज्यों की इनकम बढ़ेगी। आज जो राज्य हमारे देश में पिछड़े हुए राज्य माने जाते हैं, इस व्यवस्था के कारण उनकी आय बढ़ना एक गारंटी है। इसमें
और उसके कारण इन राज्यों को शिक्षा में अगर धन लगाना है, हेल्थ सेक्टर में धन लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में धन लगाना है, तो उनके लिए ये इस व्यवस्था के कारण जो आय बढ़ने वाली है उस आय से बहुत बड़ा लाभ ऐसे राज्यों को होने वाला है। और ये बात निश्चित है कि भारत के विकास के लिए पश्चिम में जिस प्रकार से विकास हम देख रहे हैं, सबसे पहली आवश्यकता है हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्सा, उसको उसकी बराबरी तुरंत लाना चाहिए, वरना यह असंतुलित विकास देश को तेज गति से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रुकावट पैदा कर सकता है। जीएसटी के कारण ऐसे राज्यों को एक नया अवसर मिला है और मैं आज ऐसे राज्यों से अनुरोध करूंगा कि जीएसटी लागू होने के बाद वे मैक्सिमम फायदा इसका उठाएं, जो धन उनके पास आए उस धन को राज्य की मूलभूत चीजों पर अगर बल देंगे, देखते ही देखते देश जिन सपनों को देख रहा है उन सपनों को हम पूरा कर पाएंगे। जीएसटी के कारण ये बात सही है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के सामने कुछ तकलीफें हैं, कंज्यूमर स्टेट को ज्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन भारत सरकार ने जीएसटी के माध्यम से उनको कॉम्पनसेट करने के लिए जीएसटी में उसका प्रावधान किया गया है और इसका फायदा जिन राज्यों को ये तकलीफ होने वाली है उसका भी समाधान इसमें होने वाला है। आमतौर पर दो भाइयों के बीच भी अगर झगड़ा हो जाता है सगे भाई के बीच में, तो या तो संपत्ति के कारण हो सकता है, राज्य और केंद्र के बीच का तनाव भी ज्यादातर या तो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के रहता है या तो संपत्ति को लेकर के रहता है। भाई इतना टैक्स है हमें क्या देते हो, ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए रहता है। इस व्यवस्था के कारण एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, केंद्र और राज्य से कितना धन एकत्र हो रहा है, किस खजाने में कितना जमा हो रहा है, ये राज्य को भी पता भी होगा, केंद्र को भी पता होगा और लिखित नियमों के आधार पर उसका बंटवारा भी होगा और उसके कारण फेडरल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है विश्वास। ये विश्वास पैदा करने के लिए एक बहुत बड़े कैटलिक एजेंट के रूप में ये नई व्यवस्था काम आने वाली है, जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली है। और ये जो भी टैक्स कलेक्शन होगा वो दोनों की जानकारी में होगा, जिसके कारण बहुत सुविधा बढ़ने वाली है। अच्छा होता हमारे खड़गे जी ने इस बिल की कुछ बातों को बारीकी से देखा होता, शायद जिस समय बना होगा उस समय शायद देखने का अवसर न मिला हो, लेकिन कभी बताऊंगा। ये जीएसटी बिल ऐसा है कि जिसमें गरीबों के लिए उपयोगी जितनी चीजें हैं वो सभी टैक्स के दायरे से बाहर है, सभी टैक्स के दायरे से बाहर है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन निर्धारित करने के आइटम में लगभग 55% फूड और जरूरी दवाएं ये जीएसटी के बाहर है और इसलिए बोलने के लिए तो कुछ चीजें अच्छी रहती हैं और वो भी आपको भी तो कुछ मीडिया में कल जगह मिलनी चाहिए और मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस व्यवस्था के कारण कभी कभार कुछ चीजें कैसे फायदा करती हैं, हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट ये हमेशा एक रहता था, फिर कर्ज करो फिर राज्य कर्ज में डूब जाए, ये चलता रहता था और सभी ने मिलकर के एक
एफआरबीएम कानून की ओर गए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए राज्यों ने भी उस बात को स्वीकार किया, केंद्र ने भी दबाव पैदा किया और एक प्रकार से भारत में एफआरबीएम कानून के कारण रेवेन्यू एंड डेफिसिट दोनों के बीच में एक तालमेल का एक संतुलित प्रयास हुआ है और उसके कारण राज्यों की इकोनॉमी में, उसकी इकोनॉमिकल हेल्थ में एक तंदुरुस्त बदलाव आया है, सकारात्मक बदलाव आया है। इस सरकार ने कानूनन एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और कानूनन मैं कह रहा हूं उसका बड़ा महत्व है और कानूनन फैसला ये लिया है। हमारे देश में एक बड़ी चर्चा चल रही है, रिजर्व बैंक की सोच एक होती है, सरकार की सोच दूसरी होती है और हमेशा ग्रोथ और इन्फ्लेशन की बातें एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखी जाती हैं और हमेशा होता है कि भाई इन्फ्लेशन है इसलिए ब्याज दर का ये स्थिति रहेगा, ब्याज दर की स्थिति ये रहेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो ग्रोथ, ये सारी विवाद हम सुनते आए हैं। पहली बार इस सरकार ने कानूनन रिजर्व बैंक के साथ कहा है कि अब इन्फ्लेशन 4% स्थिर करना चाहिए, 2% प्लस माइनस कानूनन कहा है और ये 2021 तक ये रहेगा और इसके कारण अब सब जितनी भी फाइनेंस से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशन है उनका इन्फ्लेशन के संबंध में एक जिम्मेवारी बनने वाली है। पहली बार ये कानूनन किया गया है और उसका लाभ मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी टैक्स कलेक्शन सिस्टम को, हमारा जो मनी बल्क है उस बल्क का डेवलपमेंट के लिए उपयोग करने की दिशा में और अधिक जिम्मेवारी बढ़ेगी और माहौल बदलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ये बात सही है, देश आजाद हुआ आज तक गरीबी से हम लड़ रहे हैं और जब कोई कहता है कि 65% लोग गरीबी के नीचे हैं, ये विरासत हमें मिली है, हमें मालूम है, लेकिन कुछ अच्छा मिलता है तो कुछ कम अच्छा मिलता है, दोनों स्वीकार करना पड़ता है। अब हमारे भाग्य में देश की गरीबी हमारे नसीब में आई है, लेकिन गरीबी के खिलाफ लड़ने की इच्छा हम सबकी है और यहां बैठे हुए इस पार हो उस पार हो सबकी है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हमारी कोशिश है इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, एजुकेशनली एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम एक ऐसी गरीबों की फौज तैयार कर सकते हैं जो स्वयं गरीबी को समाप्त करके विजयी होने के लिए सर खड़ा करके निकल सकती है। और इसलिए जीएसटी इस माहौल को तैयार करने में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकती है और जिसके लिए गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए भी ये हमें काम आ सकता है। हम जानते हैं छोटे उद्यमकार बैंकों में लोन लेने जाते हैं उनको कितनी दिक्कत होती है, हम कोशिश कर रहे हैं, ये पुरानी आदतें बदलाव आए इसके लिए, लेकिन अब इतने सालों की आदतें कैसे बदलेगी, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन ये सच्चाई है कि काफी बुरी आदतें पड़ी हुई है। छोटे उद्यमकारों को बैंक में अगर लोन लेनी है तो 500 कागज मांगेंगे, हर कागज को क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके रिजेक्ट करेंगे और उनकी पसंदगी के लोगों को वो पैसे दे देंगे। जीएसटी के कारण हर व्यक्ति का आर्थिक कारोबार का खाका सर्टिफाइड रूप में एवरी मिनट अवेलेबल होगा, वो जब बैंक में उस खाके को रखेगा किसी बैंक के पास डिस्क्रिमिनेशन करने की कोई ताकत नहीं होगी कि इसको लोन देना कि नहीं देना। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ये एक ऐसा सबूत सामान्य मानवी के हाथ में आने वाला है जिस सबूत के माध्यम से वो सामान्य कारोबार करने वाला व्यक्ति भी, दूध बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, नाई हो, अखबार बेचने वाला हो, छोटा व्यक्ति भी वो अपनी चीजों को लेकर के इस काम को कर सकता है
और इसलिए जीएसटी का सबसे बड़ी ताकत है टेक्नोलॉजी की और उसके कारण रियल टाइम डाटा अवेलेबल होगा और जब रियल टाइम डाटा अवेलेबल होता है तो व्यक्तियों को अपनी ताकत अपनी क्षमता उसको सबूत के रूप में पेश करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है और उसके कारण उसको इसका लाभ मिल सकता है। इसके कारण सहज रूप से जब धन की उपलब्धि होती है तो एक प्रतिस्पर्धा भी आती है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धा की संभावनाएं बढ़ती है और जब मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तब अर्थरचना को गति मिलती है, नए लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होते हैं और इस व्यवस्था के कारण मनी फ्लो बढ़ने के कारण रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने के लिए इस व्यवस्था के तहत पूरा अवसर मिलने वाला है। हमारे देश में निवेश बढ़ाने की दृष्टि से टैक्स टू जीएसडीपी रेशियो ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के साथ चलता रहा है। इस नई व्यवस्था के कारण ये सवालिया निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा और इसके कारण राज्य भी अपने निर्णय करके विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के सोशल सेक्टर की मदद करने के सारी बातों को तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं और मैं समझता हूं कि इसको बढ़ा पाएंगे। कभी कभार हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत कुछ कहते हैं लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए व्यवस्थाओं को भी उतना ही मजबूत बनाना पड़ता है। व्यक्ति अच्छा ही करेगा इस विश्वास के साथ इतनी बड़ी बातें चल नहीं सकती। अगर व्यवस्थाएं ठीक होगी तो गलत इंसान को भी व्यवस्थित रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस जीएसटी के कारण जो टैक्स चोरी करने की जो बातें होती है, हम जानते हैं हमारे यहां कच्चा बिल और पक्का बिल, ये शब्द ट्रेडर्स में बड़ा पॉपुलर है, कच्चा बिल और पक्का बिल। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि आप खड़े क्यों नहीं हुए। प्लीज आप आपको कच्चे बिल की चिंता ज्यादा है। ये हमारे देश में कारोबार कच्चा बिल पक्का जीएसटी के कारण व्यापारी स्वयं प्रेरित होगा पक्के बिल के लिए। इसलिए जैसे अगर मानो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम क्या करते हैं, हमारे मेडिकल सारे बिल बराबर संभाल के रखते हैं, कोई इधर उधर न जाए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वो सारा रहेगा तब जाकर के मैं क्लेम कर पाऊंगा, तब जाकर के मुझे पैसे मिलेंगे। जीएसटी में वो व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति है वो अपने बिल प्रस्तुत करेगा, उसके हित की जितनी चीजें उसके उसका रिफंड मिल जाएगा और इसलिए ये जो पुरानी जो है कच्चे पक्के की दुनिया एक प्रकार से काले धन को भी वो मोबिलाइज करती है, इस पर ये पूरी तरह रोक लगा देगी, पूरी तरह ये बंद हो जाएगा। ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार को काले धन दोनों को समाप्त करने में ये व्यवस्था काम आने वाली है और उसकी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसको लाभ मिलेगा। हम जानते हैं कि हमारे देश में टैक्स कलेक्शन के पीछे एक बहुत बड़ी फौज लगी रहती है ऊपर से नीचे तक और कलेक्शन का कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। इस व्यवस्था के कारण सभी ऑनलाइन होने के कारण टेक्नोलॉजी आधारित होने के कारण हमें कॉस्ट ऑफ कलेक्शन में बहुत कमी आएगी, जो पैसे
देश के गरीब व्यक्ति के विकास के भलाई के लिए काम आएंगे। उसी प्रकार से जहां पर भी सरकारी व्यवस्थाओं को इंटरफेरेंस का अवसर मिलता है तो कहीं न कहीं से करप्शन की बू आना शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो रही है जिस व्यवस्था के कारण करप्शन इस पूरी कलेक्शन की प्रक्रिया में जीरो की तरफ जाएगा और उसके कारण भी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में हमें अवसर मिलेगा। यहां डाटा इंटीग्रेशन होने वाला है, यानी कच्चे माल से लेकर के अंतिम प्रोडक्ट तक हर जगह पर वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन रजिस्टर होते जाने वाला है और इसलिए नेचुरल कोर्स में क्रॉस चेकिंग की व्यवस्था है और क्रॉस चेकिंग की व्यवस्था होने के कारण कहीं पर भी कोई चोरी तुरंत पकड़ी जाती है, कहीं पर भी गलत हुआ है, गलती हुई है, पकड़ी जाती है और उसके कारण एक प्रकार की सीमलेस व्यवस्था, ये सीमलेस व्यवस्था हमें लाभ करेगी। ये एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो रही है जिसमें टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर इनके बीच का ह्यूमन इंटरफेस करीब करीब जीरो हो जाएगा और उसके कारण इतना दोगे तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, इतना करोगे तो पूरा हो जाएगा, वो आएगा तो ठीक होगा, ये सारी चीजों से भारत का सामान्य मानवी मुक्त हो जाएगा और उसकी दिशा में मैं समझता हूं कि हमें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जीएसटी के कारण एक प्रकार से टैक्स पेयर का व्यवस्था ही ऐसी बन रही है कि जिसमें उसको ईमानदारी से मुनाफा होता है, जितना वो देगा उसको पता चलेगा मुझे इतना मिलने वाला है और उसके कारण इस चीजों को हम काले धन को रोकने में भी सफल होंगे। राज्य और केंद्र के टैक्स के आंकड़े एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे और रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न हो, टैक्स पेमेंट की डिजिटल व्यवस्था हो, ये सारी चीजें ऑनलाइन होने के कारण ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम इसमें पा सकते हैं और पाएंगे। आगे के दृष्टि से अरुण जी हमारे सामने रखेंगे। हमारे लिए आज तो यहां मतदान करके इस पवित्र कार्य को पूरा करेंगे, लेकिन 16 से अधिक राज्य जितना जल्दी इसको पारित करें यह आवश्यक होगा। उसके बाद भी कई संवैधानिक व्यवस्थाएं हमको पूरी करनी होगी और भी कई कानून, सेंट्रल जीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, ये सारे हमें कानून पारित करने होंगे। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के लिए आज एक दरवाजा खुल रहा है और हम एक शुभ शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उसका परिणाम मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमें मिलने वाला है। ये भी सही है कि हम लोगों को, क्योंकि नया विषय होता है तो लोगों की शिक्षा भी जरूरत होती है, आईटी प्रिपेयरनेस की जरूरत है, लीगल प्रिपेयरनेस की आवश्यकता है, टैक्स ऑथोरिटी ऑफिशियल्स की प्रिपेरेशन की आवश्यकता है, कंज्यूमर की भी प्रिपेयरनेस के लिए हमको काम करना पड़ेगा और तब जाकर के हम इस काम को कर पाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, दुनिया में लोकतंत्र के जो बड़े माहिर देश माने जाते हैं, लोकतंत्र की दृष्टि से दुनिया को उपदेश देने का जो सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे देशों में भी फाइनेंस बिल जैसी महत्वपूर्ण बातें भी कभी कभी करा पाना बड़ा मुश्किल जाता है। यह हिंदुस्तान है, ये भारत का लोकतंत्र है, ये भारत के राजनीतिक दलों की मैच्योरिटी है, ये भारत के राजनीतिक नेताओं का दूरदृष्टि है कि आज हम वैचारिक विरोधों और राजनीतिक पार्श्वभूमि अलग होने के बावजूद भी इस महान कार्य को
एक स्वर से कर रहे हैं, साथ मिलकर के कर रहे हैं, ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। एक परसेप्शन जो भी बाहर बनता हो, लेकिन आज मैं इस सदन के सामने बड़े गर्व के साथ और नम्रता के साथ और सभी राजनीतिक दलों का सम्मान करते हुए, गौरव करते हुए, इस सदन में जहां भी बैठे होंगे, यहां बैठे हो, सामने बैठे हो, न्यूट्रल बैठे हो, लेकिन हम इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि इस सरकार को करीब 100 सप्ताह से ज्यादा समय हुआ है, लेकिन इन 100 सप्ताह से ज्यादा समय में इसी सदन ने 100 से ज्यादा कानून पारित किए, सेंचुरी पार कर दी। यही तो इस सदन की ताकत है और यही देश के लोगों में एक नया विश्वास जगाती है और इस काम के लिए सबकी सकारात्मक भूमिका रही है, सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। और मैंने जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब भी कहा था कि इसका यश सबको जाता है, सभी सदस्य को जाता है, सभी राजनीतिक दलों को जाता है, लगातार जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है उन सबको जाता है। और मुझे मेरे अपने विचार रखने के लिए अवसर मिला, मैं अध्यक्ष महोदय जी सदन का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हम सब मिलकर के इस कदम की ओर आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर।